भारत का राष्ट्र रक्षा का महासंकल्प लगातार मजबूत होता जा रहा है। भारत लगातार अपने दम पर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है और अब स्वदेशी मंत्र और आत्मनिर्भरता के संकल्प की ओर भारत ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान ने स्वदेश में विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे DRDO ने विकसित किया है। क्या है इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खूबियां, देखिए इस रिपोर्ट में। रक्षक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की ये सबसे ताजा और ताकतवर तस्वीर है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में केके रेंज से स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। युद्धक टैंक अर्जुन से दागे गए इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने उम्मीद के मुताबिक अपने लक्ष्य पर बेहद सटीक प्रहार किया। मिसाइल ने दो अलग अलग रेंज में अपने टारगेट को हासिल किया। कम से कम दूरी से लेकर ज्यादा से ज्यादा दूरी तक मारक क्षमता वाली भारत की ये लेजर गाइडेड मिसाइल दुश्मन के टैंक के परखच्चे उड़ा सकती है। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भारतीय सेना के साथ मिलकर DRDO ने तैयार किया है। DRDO ने वीडियो के साथ ट्वीट कर इस कामयाबी की जानकारी दी। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण इसलिए भी अहम है क्योंकि इसने लोअर रेंज में टारगेट को हिट किया। निचली सीमा में लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि टैंक की बैरल इतनी नीचे नहीं जाती, लेकिन ATGM ने इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया। टेलीमेट्री सिस्टम के माध्यम से मिसाइल के संतोषजनक प्रदर्शन को रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले के परीक्षण अधिकतम रेंज के लिए सफल रहे हैं। ATGM को मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ विकसित किया गया है, यानी इसे जमीन से, हवा से, पानी से, कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल इसका सफल परीक्षण MBT अर्जुन की 120mm राइफल गन से किया गया। इस मिसाइल में हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक का इस्तेमाल किया गया है। हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक का मतलब है कि इसके जरिए विरोधी टैंकों के सुरक्षात्मक कवच को आसानी से भेदा जा सकता है, यानी मॉडर्न एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर कवच वाले बख्तरबंद वाहनों को भी इससे भेदा जा सकता है। मतलब इसकी ताकत से आज के दौर का कोई भी टैंक या बख्तरबंद वाहन इसके प्रहार से बच नहीं सकता। रिपोर्ट के मुताबिक लेजर गाइडेड ATGM ने संरक्षित बख्तरबंद वाहनों को 1.5 से 5 किलोमीटर के दायरे में प्रहार करने की क्षमता है। इसी साल जून के महीने में DRDO ने ATGM का एक और सफल परीक्षण किया। अर्जुन टैंक से किया गया ये परीक्षण भी सफल रहा था। तब भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने लोअर रेंज में टारगेट को हिट किया था। रिपोर्ट के मुताबिक ATGM में 1.5 से 5 किलोमीटर के दायरे में सटीक प्रहार करने की क्षमता है। हालांकि इस ATGM की सही रेंज और इसकी मारक क्षमता कितनी है फिलहाल इसका खुलासा नहीं किया गया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी बस दागो और भूल जाओ, टारगेट ना तो भाग सकता है न छिप सकता है। ये मिसाइल उसे नष्ट करने तक उसका पीछा करती रहती है, यानी दुश्मन के टैंक का इस मिसाइल से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हिंदुस्तान पूरी रफ्तार से डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ अरसे से जल, थल और नभ में देश ने अपनी ताकत में कई गुना इजाफा किया है। हिंदुस्तान दुश्मन मुल्कों पर पहले हमले करने का पक्षधर नहीं है, लेकिन दुश्मनों को पूरी ताकत से जवाब देना भी बखूबी जानता है और इसलिए किसी भी विपरीत हालात के मद्देनजर भारत का सुरक्षा चक्र पूरी मजबूती के साथ तैयार है, जिसे भेदना किसी भी दुश्मन देश के लिए आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अब देखिए, किसी भी प्रकार के विपरीत हालात में भारत के सुरक्षा चक्र को और भी मजबूत करने के लिए यह नई ताकत प्रदान की जा रही है। अब इस नए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की सेना में शामिल किए जाने के बाद भारत की मिसाइल क्षमता जो है वो और भी बढ़ जाएगी। भारत के पास 10 तरह के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं जो दुश्मन के टैंक्स के लिए काल साबित हो सकते हैं। इनमें कई मिसाइल्स भारत ने दूसरे देशों से खरीदी हैं, लेकिन बड़ी बात देखने वाली यह है कि भारत अब मिसाइल्स का ज्यादा से ज्यादा परीक्षण कर रहा है। यानी भारत अब मेड इन इंडिया मिसाइल्स को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। वो किस तरह से, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं अदिति। जी हाँ, बता दें आपको, भारतीय सेना के पास स्पाइक एमआर और स्पाइक एलआर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिनकी कुल संख्या 400 से ज्यादा है। और भारतीय सेना के पास 34,000 मिलियन T20 मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं। अब तक इसके 3.5 लाख से ज्यादा यूनिट्स बन चुके हैं। जी हाँ, देखिए 25,000 स्वेयर और स्नाइपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी मौजूद हैं। वहीं 15,140 कॉन्कर्स और स्पेडरल एंटी टैंक मिसाइल्स भी भारत के खाते में हैं। 3,000 कॉर्नेट और स्प्रिंगन एंटी टैंक मिसाइल्स भी भारत के पास हैं। जी हाँ, और ये भी बता दें आपको, अट्राका और स्पाइरल 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी भारत के पास अभी हैं, और शॉर्टम और स्पाइरल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की संख्या 800 है। जी हाँ, देखिए भारत के पास स्वदेशी ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, जिसे हेलिना कहा जाता है। पहले इसका नाम नाग मिसाइल था। भारत के पास मेड इन इंडिया MPATGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी है। इसके ट्रायल्स भी पूरे हो चुके हैं। अब इसे सेना में भर्ती किया जाना बाकी है। सेना में इसके शामिल होने के बाद फ्रांस में बनी मिलन 2T और रूस में बनी कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को हटा दिया जाएगा। और सामोहो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तोप से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है, जिसे भारत बना रहा है। अब तक इसके 2 परीक्षण भी हो चुके हैं। तो बता दें आपको, मिसाइल के साथ साथ भारतीय सेना को अब स्वदेशी स्मार्ट बम की भी ताकत मिलने जा रही है। और गौरव और गौतम लॉन्ग रेंज गाइडेड बम है, जो ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट को ध्वस्त करते हैं। ये बम इसराइल के स्मार्ट बम की तर्ज पर तैयार किए गए हैं। इनका सफल परीक्षण हो चुका है। तीन साल पहले भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई थी स्पाइस 2000 स्मार्ट बम ने, जिसने बेहद सटीकता के साथ टारगेट को ध्वस्त किया। ये स्पाइस 2000 लॉन्ग रेंज गाइडेड बम भारत ने इसराइल से खरीदा था, लेकिन अब स्पाइस 2000 की तर्ज पर भारत मेड इन इंडिया स्मार्ट बम बना चुका है। स्मार्ट बम यानी एक ऐसा बम जो खुद नेविगेट और ग्लाइड होते हुए दुश्मन के टारगेट को तबाह कर दे। पहला है गौरव, विंग के जरिए ग्लाइड करने वाला लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम। इस बम का वजन 1000 किलोग्राम है, यानी ये बम अपने साथ 1000 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है। इस बम की रेंज 100 किलोमीटर है। इसकी अपग्रेडेड रेंज 150 किलोमीटर हो गई है। दूसरा है गौतम, बिना विंग वाला बम। इसका वजन 550 किलोग्राम है। गौतम की रेंज बिना विंग के 30 किलोमीटर ग्लाइड करने की है। दोनों की लंबाई 4 मीटर है और दोनों का व्यास 0.62 मीटर। दोनों की फिलहाल अपग्रेड रेंज 50 से 150 किलोमीटर है। इनका उपयोग आमतौर पर एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस में रेंज से बाहर मौजूद टारगेट्स को ध्वस्त करने के लिए किया जाएगा। लॉन्ग रेंज बम के सेना में शामिल होने से भारत की सैन्य क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इस बम से लंबी दूरी तक निशाना साधने में मदद मिलेगी। पिछले साल ही इस 1000 किलो के घातक बम का सफल परीक्षण एयरफोर्स ने ओडिशा के बालासोर में किया था। सुकोई 30 MKI फाइटर प्लेन से दागे गए इस बम ने समंदर में अपने टारगेट को लेजर गाइडेंस के जरिए सफलतापूर्वक ध्वस्त किया था। वायुसेना को स्मार्ट बम की जरूरत थी, जो अपने टारगेट को ऑटोमेटिक नेविगेट कर ले और उसको हवा में ही उड़ा दे। इसके लिए DRDO ने 2 मारक बम डिजाइन किए थे और इसे बनाने की जिम्मेदारी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस को दी गई थी। अडानी की कंपनी ने दोनों बम का निर्माण कर लिया है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना ये बम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की ताकत का सबूत है। चलिए आपको बताते हैं, लॉन्ग रेंज बम साधारण बम से कैसे अलग होते हैं और क्यों इन्हें घातक माना जाता है। लॉन्ग रेंज गाइडेड बम को स्मार्ट बम भी कहते हैं। स्मार्ट बम को साधारण बम से अलग तरह से डिजाइन किया जाता है। इनमें अलग से पर और पंख दिए जाते हैं, जिससे इनकी दिशा को नियंत्रित किया जाता है। इनके सिर्फ कुछ कोणों को बदलकर ही इनके लक्ष्य को बदला जा सकता है।
यानी ये बम सीधे गिरने की जगह ग्लाइड करते हुए गिरते हैं और टारगेट को खत्म कर देते हैं, जबकि साधारण बम को गिराने के बाद उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। स्मार्ट बम की खूबी से अचूक बनाती है और दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में खतरनाक साबित होते हैं। इन मेड इन इंडिया स्मार्ट बमों के सेना में शामिल होने से भारत न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में और आत्मनिर्भर होगा बल्कि भारत की सैन्य क्षमता भी काफी बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत का स्वदेशी स्मार्ट बम तो आपने देख लिया, उसकी खासियत भी आपने जान ली। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना में महिलाओं के नए मुकाम की। दरअसल नेवी की महिला स्क्वाड ने अरब सागर पर उड़ान भर के एक नया इतिहास बनाया है। खास बात यह है कि इस मिशन में किसी भी पुरुष को साथ नहीं रखा गया था। यह कारनामा 5 महिलाओं की टीम ने पूरा किया है, जिसकी काफी तारीफ हो रही है। महिलाओं ने फिर दिखाया दम, आत्मविश्वास की भरी नई उड़ान, हौसलों से छू लिया बुलंदियों का नया आसमान। महिला जाबाजों ने नौसेना के साथ हिंदुस्तान का लहराया परचम। ये खबर देश की बेटियों में नया जोश जगाने वाली है, उनकी हिम्मत बढ़ाने वाली है, उन्हें हौसले की नई डोज देने वाली है, उनकी कल्पनाओं को पंख देकर आसमान तक पहुंचाने वाली है। दरअसल हिंदुस्तान की नौसेना की महिला पायलट्स ने नया रिकॉर्ड बनाया है। ये कारनामा है अरब सागर में निगहबानी का, निगरानी का, जिसे अंजाम दिया नेवी की 2 महिला पायलट समेत 5 महिला ऑफिसर्स ने। ये मिशन गुजरात के पोरबंदर स्थित INS 314 नेवल स्क्वाड्रन से पूरा किया गया। जिन 5 महिला अधिकारियों ने उत्तरी अरब सागर में मैरीटाइम रिकॉग्निजेंस एंड सर्विलांस मिशन पूरा किया, उसमें 2 पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी और लेफ्टिनेंट अपूर्वा गीते शामिल थी। इस उड़ान की मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा थी। मिशन की टेक्निकल एंड सेंसर ऑफिसर थी लेफ्टिनेंट पूजा पांडे और सब लेफ्टिनेंट पूजा शेखावत। इस मिशन के साथ ही भारतीय नौसेना की इन महिला ऑफिसर्स ने सभी बैरियर्स को तोड़ते हुए इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक उड़ान की खातिर इन महिला ऑफिसर्स को महीनों ग्राउंड ट्रेनिंग और ब्रीफिंग दी गई थी। वैसे INS 314 नेवी का फ्रंटलाइन नेवल एयर स्क्वाड्रन है। यहाँ से डॉनियर 228 मैरीटाइम रिकॉग्निजेंस एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाते हैं और अरब सागर की निगहबानी करते हैं। इस समय स्क्वाड्रन की कमान कमांडर SK गोयल के हाथों में है। नौसेना के मुताबिक इस तरह की मिलिट्री फ्लाइंग से मिलिट्री एविएशन में महिलाओं के लिए ज्यादा जिम्मेदारी और चुनौतीपूर्ण भूमिका मिलने की प्रेरणा मिलेगी। सही मायने में ये उड़ान नारी शक्ति की भावना को पूरा करने वाली है। नेवी लगातार सशस्त्र सेनाओं को महिलाओं के लिए अनुकूल बनाने में जुटा है। यही वजह है कि अग्निपथ योजना में भी नेवी को लेकर लड़कियों में क्रेज देखने को मिल रहा है। 3,000 पदों के लिए आए 9,00,000 से ज्यादा आवेदन में 80,000 महिलाओं ने अर्जी लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर आपके काम की। आज शुक्रवार है और कल परसों वीकेंड है। जाहिर है आप भी वीकेंड पे कहीं ना कहीं परिवार के साथ घूमने की प्लानिंग कर रहे होंगे, तो हम बताते हैं इस वीकेंड आप कहां जा सकते हैं। दरअसल 15 अगस्त तक सरकार ने सभी सरकारी म्यूजियम्स और स्मारकों में पर्यटकों की एंट्री फ्री कर दी है, तो आप देश की इन धरोहरों पर जाइए और घूमने के साथ साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाइए। वीकेंड पर आप अगर आगरा जा रहे हैं, यहाँ घूमने का प्लान है और साथ ही ताजमहल, आगरा फोर्ट या फिर किसी और ऐतिहासिक स्मारक जाना चाहते हैं, तो फिर ये परफेक्ट प्लान है, क्योंकि इस दौरान आपकी जेब पर इसका कोई असर नहीं होने वाला, बल्कि सरकार से मिली सौगात से आप इन ठिकानों की मुफ्त सैर कर सकते हैं।
आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सरकार कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। केंद्र सरकार ने भी लोगों को ऐतिहासिक जगहों से रूबरू कराने के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि 5 से 15 अगस्त तक सभी सरकारी म्यूजियम और स्मारकों में पर्यटकों की एंट्री फ्री होगी। आगरा में 8 ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिनमें ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, एतमाद-उद-दौला का मकबरा और मरियम टूम के अलावा रामबाग भी शामिल है। इस संबंध में एएसआई ने सभी क्षेत्रीय निर्देशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें 11 दिनों तक एंट्री फ्री किए जाने को कहा गया है। विभाग को अनुमान है कि इस दौरान करीब 2 लाख से ज्यादा पर्यटक ताजमहल का दीदार करने आ सकते हैं। देश भर में जितने भी राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक और संग्रहालय हैं, उन सभी में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 5 तारीख से 15 तारीख तक निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था दी गई है। आगरा में ऐसी 8 मॉन्यूमेंट्स हैं जिन पे प्रवेश शुल्क लगता है, वो सभी फ्री रहेंगे दिन में विजिटर्स के लिए। इतना ही नहीं, अमृत महोत्सव के तहत भारतीय पुरातत्व विभाग इन ऐतिहासिक इमारतों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी करेगा। वहीं 15 अगस्त तक इन इमारतों में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। 4 स्मारकों पर तिरंगे के रंगों में रोशनी भी की जाएगी। साथ ही इस साल 15 अगस्त के दिन आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी पर 50 फीट का तिरंगा फहराने की भी तैयारी है। आगरा से अरविंद शर्मा, गुड न्यूज टुडे। तो अगर आप भी देश की इन धरोहरों की सैर करना चाहते हैं तो यही मौका है आपके पास। अब बात कर लेते हैं आजादी के अमृत महोत्सव की। हर घर तिरंगा अभियान का रंग देश पर चढ़ने लग गया है। इस बार तिरंगे की जबरदस्त डिमांड हो रही है, जिसको देखते हुए तिरंगे को बनाने का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। फिलहाल 15 अगस्त को इतिहास रचने की तैयारी है। देश के शहरों को तिरंगे में रंगने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए गए हैं। आपके सामने 6 शहरों की तस्वीरें। पहली तस्वीर कानपुर की, जहां दुकानें तिरंगे से पटी हुई हैं। दूसरी तस्वीर कोयम्बटूर की, जहां डाकघरों से तिरंगा खरीदने के लिए भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। हैदराबाद को तिरंगे में रंगने के लिए युवा घर घर भारत का राष्ट्रीय ध्वज बांट रहे हैं। मथुरा में भी आजादी के अमृत महोत्सव को भव्य बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहां पर कैदी दिन रात तिरंगा बनाने के काम में जुटे हैं। दिल्ली के सदर बाजार में भी इस वक्त तिरंगे से तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ झंडों की डिमांड को पूरा कर पाना दुकानदारों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी तस्वीर और खास तस्वीर की बात कर लेते हैं, जो मसूरी से सामने आई है, जहां पर ITBP ने 72 फीट ऊंचा झंडा लहराया है। तो आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ये तमाम तस्वीरें आपके सामने। हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे तैयार हो रहे हैं। लोग 15 अगस्त की तैयारी धूमधाम से कर रहे हैं। इस बार हिंदुस्तान के कोने कोने में तिरंगा लहराएगा और बाजारों में रौनक छाई हुई है। तिरंगे भी भारी मांग को देखते हुए दिन रात तिरंगा बनाने का काम चल रहा है और बावजूद इसके मांग पूरी नहीं हो पा रही, देशभक्ति के रंग में रंगे हिंदुस्तानियों ने झंडा बनाने वाले कारोबारियों की चांदी कर दी है। अगर बात दिल्ली के बाजारों की करें तो तिरंगे झंडों की मांग इस कदर बढ़ चुकी है कि डिमांड को पूरा करने के लिए दूसरे उपाय तलाशे जा रहे हैं, जिससे बढ़ते मांग से झंडों की कीमत प्रभावित ना हो। लेकिन दुकानदार झंडों की बढ़ती कीमत पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हजारों झंडों का कारोबार करने वाले कारोबारी लाखों झंडों का कारोबार कर रहे हैं। लाखों झंडे बनाने वाले करोड़ों झंडे बना रहे हैं। कारोबारियों को इस बार जमकर मुनाफा हो रहा है। झंडों की बढ़ती कीमत ने सालों के रिकॉर्ड जो तोड़ दिए हैं। डिमांड में 10 times का इंक्रीज है। बहुत, मतलब 10 times में कमी बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंक्रीज है। मतलब इतनी डिमांड है कि आप समझो कि इतनी डिमांड कभी भी पूरे, मतलब मैंने अपने, मेरा तो बहुत एक छोटा सा एक टेन्योर है, लेकिन हमारे, मतलब मेरे फादर 40 ईयर से काम करे, तो इतनी डिमांड कभी भी 15 अगस्त में तिरंगे की इतनी डिमांड कभी नहीं हुई। इस बार लाखों में झंडे बिक रहे हैं। पिछली बार हमने 20-25 लाख झंडा बनाया होगा, तो इस बार हमारा वो इंक्रीज हो के 50 लाख से 1 करोड़ तक हम बना चुके। जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम उस कैपेसिटी से डबल से ज़्यादा माल बना चुके। झंडे में 5 दिन पहले तो स्टॉक था, फिर भी मिल रहा था, लेकिन अभी मैं 2 दुकानें घूम के आ रहा हूँ, स्टॉक नहीं है। जो मैं लेके गया था वो स्टॉक नहीं है, और जिसके पास है
100 रुपए का एक झंडा मैं लेके गया था, आज की डेट में 150 रुपए का है, 5 दिन पहले। मतलब जो पहले हम लोग जो 15 अगस्त मनाते थे देशवासी, तो एक तिरंगा मतलब लगाने में हिचकते थे कि उसके नॉर्म्स भी बड़े पहले हार्ड थे, तिरंगा सुबह लगाना शाम को उतारना, मतलब ऐसे कई सख्त नॉर्म्स थे। तो इस बार प्रधानमंत्री जी ने नॉर्म्स भी थोड़े लाइट कर दिए हैं, जिस कारण लोगों में एक जागरूकता आई है। और पिछले 4-5 साल से जब से मोदी सरकार है, तो उन्होंने तो कुछ देश के प्रति कुछ ऐसा प्यार लगा दिया है देशवासियों को, तो जिससे तिरंगे से ज़्यादा प्यार हो गया। डिमांड बहुत ज़्यादा है सर, हर घर में तिरंगा लगना है, कम से कम आपका 200-300 करोड़ झंडा डिमांड है कि पूरे वर्ल्ड में लगे। तो झंडा तो पूर्ति हो नहीं पा रही, पूरी माल जो बन रहे हैं रोज 20-30 हज़ार झंडा आ रहा है, 30 हज़ार आ रहा है, माल खत्म हो जा रहा है, माल छोटे ही बहुत चल रही है। हाँ जी, कितने परसेंट लगभग उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ गई है डिमांड? भैया जी, पहले जो लोग 10% थे, अब 100% है पूरी। अब देखिए, हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाई हमने, देश के हर कोने में 15 अगस्त की तैयारी भी जोरों पर है। आजादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में देश का हर नागरिक अपने ही ढंग से आजादी के इस महापर्व में योगदान देने के लिए काफी उत्साहित है। यूपी के फिरोजाबाद में भी एक ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए सिलाई कर्मचारी रात दिन एक कर रहे हैं। सिलाई मशीन की ये तेजी और इन कपड़ों को तिरंगे का आकार देते इन हाथों की फुर्ती इस बात की गवाह है कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए देश के हर एक शख्स में उत्साह हिलोरे मार रहा है। आजादी के जश्न में 4 चांद लगाने के लिए फिरोजाबाद की मानव उत्थान सेवा समिति समेत कई संगठन तिरंगा बनाने के काम में जुटे हैं। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले आजादी के अमृत महोत्सव में यही तिरंगे संस्थानों और घरों में फहराए जाएंगे। तिरंगा बनाने के इस काम में जुटे लोगों का उत्साह देखने लायक है। महिलाएं पूरी फुर्ती के साथ सिलाई में लगी हैं, तो आदमी भी कपड़ों की कटाई में बराबर हाथ बटा रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि इस बार उनका 4,000 झंडे बनाने का लक्ष्य है। पैसे तो इसके कुछ नहीं है, ये हमारी सेवा है, हम लोग सेवा कर रहे हैं, और झंडे करीब 4-5 हज़ार के करीब बन जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग तिरंगा महोत्सव मनाने जा रहे हैं, और हम सभी प्रेमी भक्तों का ये कर्तव्य है कि हम लोग जा घर घर जाके ये तिरंगा सभी को निःशुल्क देंगे और इस तिरंगा महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। इस बार देश स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर रहा है, इसका जोश देश के कोने कोने में देखा जा सकता है। ये आजादी के जश्न का ही जोश है कि न सिर्फ झंडे बनाए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें मुफ्त में बांटने का काम भी बड़े पैमाने पर किया जाना है। साफ है कि देश के जिम्मेदार नागरिक आजादी के अमृत महोत्सव में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ जुड़े हैं, और जब ये तिरंगा अपनी आन बान और शान के साथ फहराएगा, तो पूरे देश के साथ इन कारीगरों के चेहरे की मुस्कान भी देखते बनेगी। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा, गुड न्यूज टुडे। अब बात करते हैं 5 अगस्त यानी 2022 लद्दाख डे की। लेह लद्दाख में आज सिंधु नदी के किनारे तिरंगा लहराकर मनाया जा रहा है यूटी घोषणा दिवस। महोत्सव में दलाई लामा शामिल हुए, जिनके सामने लद्दाख के बच्चों और लोगों ने यहां के पारंपरिक रंग दिखाए। आप भी देखिए लद्दाख डे के ये तमाम कलर्स। ये खुशियों का जश्न है। ये अनुच्छेद 370 के बीडियो से आजादी मिलने की सालगृह का जश्न है। ये महोत्सव है अपनी अलग पहचान का, अपने अलग अस्तित्व का। ये लद्दाख के लोगों की उम्मीदें पूरा होने का महोत्सव है। जी हाँ, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से आजादी के 3 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। 5 अगस्त 2019
लद्दाख के लिए बहुत अहमियत रखता है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के साथ ही लद्दाख विकास की राह पर तेजी से अग्रसर हो गया। उसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में एक अलग पहचान मिली। यही वजह है कि आज यानी 5 अगस्त 2022 को यहां लद्दाख डे मनाया जा रहा है। इन 3 सालों में लद्दाख वालों ने जाना है कि विकास किसे कहते हैं और जन उम्मीदें कैसे पूरी होती हैं। यही वजह है कि आज सशक्त हुए लद्दाखी हक से मना रहे हैं अपना दिन यानी लद्दाख डे और कर रहे हैं अपनी खुशी का इजहार। लद्दाख डे के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दलाई लामा विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। स्कूल के छात्रों ने यहाँ के लोक पारंपरिक नृत्यों को खासतौर पर दलाई लामा के सामने प्रदर्शित किया। अलग अलग हिस्सों से आए लोगों ने लोक नृत्य का यहाँ प्रदर्शन कर सबको लद्दाख की परंपरा और संस्कृति के रंग दिखाए। आपको इस सेलिब्रेशन में जो कल्चरल परफॉर्मेंसेज हो रही है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। ये जो मेरे पीछे जो डांस हो रहा है इसे बोलते हैं शंडोल डांस। आप इनके कॉस्ट्यूम को देखिए, इनकी ड्रेसेस को देखिए, टिपिकल फर की ड्रेस है, जो पैरों में ये जूते पहने हैं वो देखिए, जो हेड गियर लगाए हैं वो देखें आप। ये डांस कहा जाता है कि राजा के सामने प्रेजेंट किया जाता है और आज 5 अगस्त 2022 को इस सेलिब्रेशन में जो राजा यहाँ पर मौजूद हैं वो हैं हिज होलीनेस दलाई लामा। दलाई लामा के सामने ये बच्चे अपने कल्चर को दिखा रहे हैं, अपने डांस फॉर्म को प्रेजेंट कर रहे हैं। इस ट्रेडिशनल कल्चरल परफॉर्मेंसेस को जो पेश किया जा रहा है दलाई लामा के लिए खास तौर पर पेश किया जा रहा है शंडोल डांस। इस खास मौके पर शामिल हुए दलाई लामा को लद्दाख के प्रतिष्ठित पालियम अवार्ड से नवाजा गया। यही नहीं, यहाँ के सांसद ने उन्हें भारत रत्न देने का भी प्रस्ताव रखा। लद्दाख के लोगों के लिए यूटी घोषणा दिवस किसी समारोह से कम नहीं है, इसीलिए इसे आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लद्दाख के लोगों के लिए ये कितनी इम्पोर्टेंट और अहमियत का दिन है। चारों तरफ आपने देख सकते हैं सिंधु नदी है, यहाँ पर इसके बगल में सारे लोग अपने अपने कॉस्ट्यूम्स के साथ अपने कल्चर को अपने ट्रेडिशन को दिखाने के लिए मौजूद हैं और हर एक ग्रुप का नंबर आ रहा है स्टेज पर आकर के, वो दलाई लामा के सामने परफॉर्म कर रहा है। खूबसूरत नजारा है लद्दाख की अहमियत को कल्चर को दिखाते हुए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। कैमरन योगेंद्र के साथ मोहम्मद नजुबैर, GNT के लिए लेह से। आपको दिखाते हैं एक ऐसे बच्चे की खबर जिसने छोटी सी उम्र में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। हरियाणा के लाल ने वो कमाल किया जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। उम्र भले ही कम है लेकिन हरियाणा के 12 साल के कार्तिक ने जो काम किया है उसमें बड़ा दम है। जी हाँ, नवोदय विद्यालय में 8वीं क्लास में पढ़ने वाले कार्तिक ने वो कमाल कर दिखाया है जिसमें कंप्यूटर साइंस के बड़े बड़े जानकारों के पसीने छूट सकते हैं। दरअसल इस उम्र में जबकि काफी बच्चे मोबाइल पर गेम्स खेलने में समय बिता देते हैं, इस छोटे से बच्चे ने ऐप डेवलप करने का काम सीखा और 3 लर्निंग ऐप बना डाले। अपने हुनर की बदौलत इस बच्चे ने सबसे कम उम्र के ऐप डेवलपर के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। मेरे नाम OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के 5 रिकॉर्ड, इंडिया यंगेस्ट ऐप डेवलपर, इंडिया यंगेस्ट ग्राफिक डिजाइनर, इंडिया यंगेस्ट ऑथर, इंडिया यंगेस्ट डिजिटल आर्टिस्ट एंड इंडिया यंगेस्ट ग्राफिक डिजाइनर एंड इंडिया यंगेस्ट इंस्ट्रक्टर का अवार्ड शामिल है और वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी मेरा नाम इंडिया यंगेस्ट ऐप डेवलपर के नाम से दर्ज है और वर्ल्ड अंडर चाइल्ड प्रोडिगीज में भी मेरा नाम 100 बच्चों में मेरा सिलेक्शन हुआ है। कार्तिक ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान समय का सदुपयोग करते हुए कोडिंग सीखी और मामूली मोबाइल फोन से ही ऐप बना डाली। इसके पीछे एक बड़ा मकसद है। ये ऐप मैंने गरीब बच्चों की मदद के लिए बनाई है कि सभी गरीब बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर सकें, जो अफोर्ड नहीं कर सकते इसको उनको मैं सबको फ्री देना चाहता हूं और मैं अब तक 45,000 बच्चों को श्राम कार्तिक डिजिटल एजुकेशन ऐप से जोड़ भी चुका हूं।
कार्तिक की प्रतिभा को देखते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे कंप्यूटर साइंस के कोर्स में दाखिला दिया है। तो ये बच्चा अब स्कूली शिक्षा पूरी करने के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहा है। छोटे से गांव में रहने वाले कार्तिक के पिता खेती करते हैं। पढ़ाई में इनकी लगन को देखते हुए परिवार बेहद खुश है, लेकिन इन्हें सरकार से मदद की दरकार है। जो ये बच्चा कुछ नया कर रहा है पढ़ाई के बारे में या और किसी अपने उसके स्किल के बारे में, तो सरकार या प्रशासन हमें मदद दे और ये बच्चा अपनी ऊंचाइयों को छुए, देश की सेवा करे, देश को आगे ले जाए। ऐसे मेधावी बच्चे की हम हर संभव मदद करेंगे और निश्चित तौर पर ऐसे बच्चे को, ये तो औरों के लिए भी उदाहरण है, तो उस बच्चे को जो यथायोग्य किसी स्थान अवसर पर सम्मानित भी करेंगे और ऐसे बच्चे को हम अन्य बच्चों से बात भी कराएंगे ताकि और लोग भी मोटिवेट हों इससे। कार्तिक देश के लिए कुछ करने का सपना देखते हैं और चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में ही कुछ ऐसा करें जो आज तक कभी नहीं किया है। उम्मीद है इस होनहार बच्चे की मेहनत रंग लाएगी और इसके सार्थक नतीजे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पहुंच गए हैं लंच टाइम के आखिरी चरण में, जहां पे हम आपको दिखाते हैं कुछ महान व्यक्ति के विचार। तो आइए डालते हैं नजर आज के विचार पर। महात्मा गांधी ने कहा है कि अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, अब मुलाकात होगी लंच टाइम में हम दोनों के साथ सोमवार को। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।